मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में एक बात बोली थी कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो एक प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। मैंने उसमें किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इस वाली वीडियो में एक जो शख्स हैं जो अपने फैक्ट्स के लिए बहुत जाने जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फैक्ट की नॉलेज है, वो न्यूज़पेपर से कट करते हैं और अपने वीडियो के अंदर चिपका लेते हैं। उन्हीं में से एक ध्रुव राठी, जिनकी हाल फिलहाल में एक वीडियो रिलीज हुई थी, उस वीडियो में उन्होंने कहा था। बीजेपी लीडर्स के अकाउंट्स पर जाकर देखो, ट्विटर अकाउंट्स पर क्या शेयर करने लग रहे हैं। ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जिसमें कहते हैं कि देखो प्रोटेस्टर्स एंटी हिंदू स्लोगन्स उठा रहे हैं। यहां पर ये प्रोटेस्टर्स हिंदुओं की एथनिक क्लींजिंग चाहते हैं, हम हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं। यहां पर जानबूझकर हिंदू मुसलमान के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो यहां पर, जबकि ये फर्जी वीडियोज हैं। ऑल्ट न्यूज ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है ये फेक वीडियोज हैं यहां पर, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि हिंदुओं के मन में यहां पर एक डर बैठे, एक डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी सही से अप्लाई की जा सके यहां पर। इस वीडियो में ये ओल्ट न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर करते हैं और कहते हैं कि ये वीडियो फेक है। जो भी ये वीडियो दिखाई गई हैं, जो भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ये अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, इसके बारे में इन्होंने कहा कि फेक है। अब ओल्ट न्यूज़ पे मैं चला गया क्रॉस चेकिंग के लिए कि भी हाँ भी जो वाकई में हकीकत क्या है ये चेक करने के लिए मैं ओल्ट न्यूज़ पे गया। तो ओल्ट न्यूज़ पे जाके मैंने नीचे जब स्क्रॉल डाउन किया तो वहां पे ओल्ट न्यूज़ ही बोल रहा है कि जो ये वीडियो है उसके अंदर हिंदुओं की कब्र खुदेगी ऐसा नहीं बोला गया, बोला गया कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। बाकायदा ये ओल्ट न्यूज़ ये बात बोलता है। अब देखो यार, मेरी बात पे यकीन करने से बेटर है कि आप लोग खुद जाके इसको क्रॉस चेक करो। हमारे हमारे समाज में ऐसा क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को अब आलसी इतने हो गए हैं कि बस उनको एक न्यूज़ चाहिए, हम उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं बजाय कि हम उसकी क्रॉस चेकिंग करें। क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस दुनिया में, जहां फेक न्यूज़ का जमाना बहुत ज्यादा हो गया और लोग अपना प्रोपोगेंडा फैलाते चले जा रहे हैं। अब आपको काम क्या करना है, आपको खुद जाके चेक करना है कि ओल्ड न्यूज़ पे ये है या नहीं है। अब मैंने वही चेक किया है जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके सामने। यहां पे साफ साफ बोला जा रहा है कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, सावरकर की कब्र खुदेगी, बीजेपी की कब्र खुदेगी, ये बात बोली गई। अब ओल्ट न्यूज क्या बोल रहा है कि भाई जब हम उन्होंने सर्च किया कीवर्ड को, तो उन्होंने एक अच्छी बेटर क्वालिटी के अंदर, बेटर ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के अंदर ये वीडियो मिली उन्हें और जहां पर ये बात बोली गई। अब कोई ये बता दो कि हिंदुत्व और हिंदुओं में फर्क क्या होता है, क्या सूरज और सूरज की रोशनी में फर्क होता है? अब आप कहो कि सूरज को इस दुनिया से हटा दो, सूरज को हटा दो, हम सूरज की रोशनी चाहते हैं, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? अब ये वीडियो सुन लो। अब इसके बारे में ध्रुव राठी से एक भी शब्द नहीं निकलता है कि हाँ इस प्रकार का प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है एक कैब के प्रोटेस्ट के व्यूज की आड़ में, कैसे लोग अपनी कोई दूसरी मंशा वहां पे प्रकट कर रहे हैं। सड़क के बीच में खड़े होकर हजारों लोगों के बीच में ऐसी बात बोली जा रही है हिंदुओं से आजादी। यार किस प्रकार की आजादी चाहिए उनको, हिंदुओं से कौन सी आजादी, हिंदुओं ने कौन से किसको कैद करके रख रखा है? तो इस प्रकार की जो वहां पे जो ये प्रोपोगेंडा चल रहा है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सबके मुंह पे तब यहां पर ताले लग जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स यहां पर आते हैं, वो कहते हैं इन जो ये स्टूडेंट हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर गोली मत चलाओ। इनके बारे में बात करेंगे आने वाली इसी वीडियो के अंदर। ये एक फेक न्यूज चल रही है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक स्टूडेंट की मौत होगी, एक या दो की स्टूडेंट की मौत होगी, बहुत जोर शोर से चल रही है। अब इसके ऊपर द हिंदू न्यूज़पेपर ने खुद ये क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो वीसी है जामिया यूनिवर्सिटी की, वो खुद नजमा अख्तर ये खुद ये बात बोल रही हैं, जैसी ये जो चीजें जो बातें बोली जा रही हैं वो एक कोरी अफवाह है, ऐसा इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन इनकी एक्टिंग देखो। मेरे दोस्त मर गए, पता ही होगा आप लोगों को, लोग मर गए हैं अंदर, यहाँ हाथ पैर टूट चुके हैं, लोगों के सर फूट चुके हैं, रो रहे हैं, रात भर मेरे दोस्त रोए हैं, रात भर हॉस्टल की लड़की। एक रूमर चल रही है, एक बहुत स्ट्रांग रूमर चल रही है कि एक बच्चा मर गया और दो बच्चे मर गए, इस तरह के। हम सब उसको डिनाई करते कि
क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जामिया का कोई भी आदमी न मरा है ना इसके इस पूरे में। कितनी सारी ऐसी वीडियोस, कितनी सारी ऐसी फोटोज जो डॉक्टर्ड करके, मतलब उनके अंदर फेरबदल करके न्यूज में या फिर सोशल मीडिया के ऊपर लगाई जा रही है ताकि लोगों को भड़काया जा सके, जो भोले वाले मुसलमान है उनको ये बताया जाए कि भाई हाँ तुम्हारे विरोध में तुम्हारे लिए कानून आ गया तुम्हें निकालने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बार बार ये बात आ रही है कि किसी का किसी की नागरिकता पे इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये जो कानून है ये बाहर के लोगों को कानून, बाहर के लोगों को नागरिकता देने का कानून है, ना कि अपने ही इस देश में लोगों को, लोगों से नागरिकता छीनने का। ये छोटी सी बात लोगों के समझ में नहीं आ रही और लोग ऐसे लोगों, ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर यकीन करने पे आ गए हैं जो एक अलग सी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब साफ इस बात से जाहिर हो रहा है कि ध्रुव राठी ने साफ झूठ बोला है अपनी वीडियो के अंदर। क्यों उस इंसान ने ये आगे वाली वीडियो की, उस जो ओल्ड न्यूज का ही आगे वाला स्क्रीनशॉट शेयर क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे पता है कि अगर ये वाली स्क्रीनशॉट अगर हम उसने पेश की तो जो एक प्रकार की जो प्रोपेगेंडा वो फैला रहा है कहीं ना कहीं उसका वो प्रोपेगेंडा फेल ना हो जाए। अब ये एक फोटो बहुत वायरल हो रही है कि कुछ पुलिसकर्मी महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत सर्च किया इसके ऊपर। देखो यार, हमारे जो जो व्यूअर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको बस एक ऐसा सोर्स चाहिए कि हाँ उन्हें वो चीज़ मिल जाए और लोग उनको वो चीज़ दिखा देंगे तो वो आगे उसके ऊपर कोई सर्च नहीं करेंगे, बस उसी को सच मान के चलने लग जाते हैं। तो मुझे ये सर्च करने में बहुत टाइम लगा, तो मैंने सर्च किया इस फोटो के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ डॉक्टर्ड मिले। लेकिन एक यूट्यूब है ना प्रतीक बरोड़े, उनकी वीडियो से मैंने ये क्लिप ली है, आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद वामपंथियों के द्वारा या तथाकथित कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा, बरखादत जैसे कुछ पत्रकारों के द्वारा एक फोटो को बहुत स्प्रेड किया गया, जहां पर हमें ऐसा दिख रहा है कि भाई दिल्ली पुलिस लड़की के ऊपर डंडा चला रही है, जो कि पूर्ण रूप से गलत साबित हुआ। सच्चाई ये है कि एक कट्टरपंथी तथाकथित छात्र उन लड़कियों के पीछे छुप रहा था और वो लड़कियां उसको अपने पीछे छुपा रही थी। बाद में पता चला कि भाई यही सेम लड़कियां अलग अलग जगहों पर हमें दिखाई दे रही है, बरखादत के साथ में उनका फोटो हमें दिखाई दे रहा है। और जितना मैंने कुछ जानकारी मुझे मिली है, उन्होंने याकूब मेमन का भी समर्थन किया था। और इसके ऊपर पुलिस ने साफ बोला है कि जो आदमी था उसके बारे में जो ये फेक चीज़ें फैलाई जा रही हैं उसके बारे में पुलिस ने खुद कंफर्म किया है कि वो असलियत में क्या है, वो भी सुन लीजिए। आया है जिसमें एक किसी व्यक्ति का ट्विटर का फोटो, उसका प्रोफाइल दिखाकर, किसी छात्र संगठन का है वो, उसके साथ हमारे दिल्ली पुलिस का एक सिपाही जो कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त में वो खड़ा है और वो बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट के साथ खड़ा है, उसको मैच करके कहा जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है। ये सरासर गलत है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो पहले पानी को पेट्रोल बोला गया और तमाम जो वीडियो जो किसी देश के किसी अन्य जगह के हैं, किसी अन्य समय के हैं, उसको जामिया इलाके की पुलिस फायरिंग बताया गया। इस तरीके से कई झूठ जहां पे चल रहे हैं, तब किसी भी हमारे सिपाही को किसी अन्य व्यक्ति के साथ जोड़ देना, उसको घूस नाम दे देना, मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं अपील करना चाहूंगा इस प्रकार के दुष्प्रचार, इस प्रकार के अफवाहों से ये जो फैलाने वाले हैं, इस तरह से करने से बचें और लॉ एनफोर्समेंट पुलिस को सहयोग करें, कानून व्यवस्था बनाए रखें। हर किसी को स्टूडेंट के ऊपर हुए अत्याचार को दिखाई पड़ रहा है कि हाँ स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज हो रही है, आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां तक चला दी गई हैं, ऐसे जो स्टेटमेंट आ रही है। तो क्या इन पुलिस कर्मी है, क्या इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा? क्या इनका खून नहीं बहा जा रहा? कोई उनकी बात नहीं कर रहा? अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास फोन है, वो एक कैमरा लेके चल रहे हैं, जो भी गलत हरकत उनको दिखी उन्होंने कैप्चर की, वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। लेकिन क्या पुलिस कर्मी अपने साथ क्या कैमरा लेके चलेंगे? अब आगे से शायद उनको व्लॉगिंग करनी चाहिए कि हाँ हम व्लॉग करते करते साथ में वो कुछ भी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो करें, ताकि लोगों को बता सकें कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया। जबकि वो अपने साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकते, व्लॉगिंग कर नहीं सकते, कैमरा लेके साथ चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको वो कार्रवाई करनी है, उनको अपनी ड्यूटी निभानी है। तो इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, अपना उस फोन का यूज करते हैं इन पुलिसकर्मियों को बदनाम करने के लिए। हमारे देश में वैसे भी पुलिस बदनाम है ऐसा माना जाता है, और इतना बहुत आसानी से मान लिया जाए कि स्टूडेंट जो है वो बहुत निहत्थे बेचारे, जिन्होंने जो बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, पुलिस आई एकदम से लाठी चार्ज कर दिया उन्होंने, तो बहुत आसानी है, लोग मान भी लेते हैं इस बात को। लेकिन सच्चाई क्या है इसके पीछे? क्या पुलिस की तरफ से शुरुआत हुई थी या प्रोटेस्टर की तरफ से शुरुआत हुई थी? इसके ऊपर किसी का कुछ बयान नहीं है सही हकीकत में कि भी हाँ बात कौन सी सही है। जो भी है वो आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्लियर भी हो जाएगी, जब
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, इसका निर्णय आएगा, तब उनकी बातें भी क्लियर हो जाएंगी, तब उनकी बात वहां करेंगे। अभी यहां पे ये कहूं कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक साइड में बायस रहूं कि हाँ पुलिस वालों की ने कुछ नहीं किया, या फिर मैं कहूं कि स्टूडेंट से कुछ नहीं किया। भाई अभी मुझे नहीं पता कि किसने क्या किया है, लेकिन ये जो लोग ये बता रहे हैं कि हाँ पुलिस आते ही, भाई तुम थे वहां पे, तुम मौजूद थे, तुम देखने वाले थे, तुम तो जैसे वहां धरने भी बैठे थे कि हाँ पुलिस आ रही है, तुमने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, उसने मार दिया, ऐसी डॉक्टर्ड वीडियो हजारों मिल जाएंगी आज की डेट में यूट्यूब पे। कितनी सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रही है, को लोग इनको शेयर कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। तो आपने कहां लगाए पत्थर? अरे ये देखने का काम है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार सिंह। नहीं हेलमेट, हेलमेट लाओ ना। वो तो जरूर अशोक भाई माता ये आप पीछे जाओ, चोट लगी तो। मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो ट्वीट करी, उसको शेयर किया, उनको उन्होंने ये कहा कि दिल्ली पुलिस जो है वो बस को जला रही है। दिल्ली पुलिस बसों में आग लगा रही है। इंडिया टीवी की टीम ने वो बस ढूंढ निकाली है। सबसे पहले DL1PD0299 ये वो बस है जो इस वक्त राजघाट डिपो पे खड़ी है। एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसे मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है और आरोप लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस बस को जला रही है, जबकि हकीकत आपके सामने है, बस टूटी है जली नहीं। उस वीडियो में टायर के बगल से पुलिस वाले कैन से कुछ डालते नजर आते हैं, तो यहाँ इस बात का सीधा सबूत है कि ये सीट आप जो देख रहे हैं इस पर आग लग गई थी, जिस पर पानी डालकर आग को बुझाया गया है। यानी राजनीति जो इस पूरे मसले पर हो रही है उससे बचने की जरूरत। कितनी हैरानी की बात है, एक मंत्री ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि उसमें हकीकत क्या है और क्या झूठ उसमें उन्होंने फैला रहे हैं वो। और ये जो बोल रहे थे कि भी पुलिस ने बहुत दुर्व्यवहार किया बच्चों के साथ, पुलिस अब ये एक पुलिस के खुद अपनी तरफ से एक वीडियो रिलीज किया, आप उसके ऊपर देख लीजिए और बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, हेडफोन लगा के इसमें गालियां दी जा रही हैं पुलिस को ही। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपके बीच जो ये गलत लड़के पहुंचे हुए हैं और जो पत्थर ट्यूब और ये बम पत्थर और ट्यूब जैसी ट्यूबलाइट वगैरह ये सब फेंक रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ फोड़ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बाहर निकले। यहाँ पे तमाम अफसर तमाम लोग हैं जो आप लोगों की हिफाजत के लिए हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं करे जिससे इस यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हो। ये फिर जो पत्थर आ रहे हैं, ट्यूब आ रही है और ये सारी चीजें जो है इसको आप बिल्कुल नहीं करें। ये दोनों तरफ से जो आ रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि वो लोग आए। ये बच्चा आगे नहीं आए, ये बच्चा बिल्कुल आगे नहीं आए। बच्चों मैं ये गेट नंबर 7 और 8 के बीच में खड़ा हूँ। बच्चों आप लोग बाहर नहीं निकले। बच्चों पत्थर नहीं मारे, ट्यूब नहीं मारे, बोतल नहीं फेंके। आप लोग अपना बच्चों कोई बात नहीं, आप लोग अपना अंदर शांति से बैठे रहे, बिल्कुल पत्थर नहीं चलाए। अब बात करते हैं कुछ यूट्यूबर्स की। ये है आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी कह रहा है कि भाई जो पुलिस है उसको इतना ब्रूटल नहीं होना चाहिए, इतना अत्याचारी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, ये वहां मौजूद थे, शायद इनको पता था कि कैसे हैंडल करते हैं। भाई इनसे सीखो जाके, ये सिखाएंगे, अगर इनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हो जाते हैं तो कुछ भी मन में आए वो मनगढ़ंत बक दें। अबे पहले पढ़ लो चीजें, समझ लो कि हो क्या रहा है, फिर अपनी राय रखो वहां पे जाके। खुद दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे बयान जारी किए हैं कि भाई हाँ हकीकत में क्या हुआ था, पहले उनको पढ़ो जाके। ऐसे ही चीजें नहीं है कि हाँ तुम यार पता है यूट्यूबर्स की दिक्कत क्या है, अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो भाई उनके सब्सक्राइबर जाएंगे, वो डर रहे हैं। ऐसे ही अगले यूट्यूबर हैं राउंड टू हेल से, वो बोल रहे हैं कि भाई सरकार ने तो बुलेट ट्रेन का देने का वादा किया था, ये बुलेट्स तो नहीं कहा। अरे किसको बुलेट पड़ गई भाई, किसको गिर गई, कि क्यों अपने सब्सक्राइबर को बिना वजह का ऐसे भड़का रहे हो तुम, कहां बुलेट पड़ी किसको। ये लोग सिर्फ शांति नहीं चाहते, इससे साफ पता चलता है कि ये कोई भी इस चीज को नहीं बोल रहा कि पीसफुल तुम प्रोटेस्ट करो, कोई भी कानून अपने हाथ में मत लो। अब ये देख लो इनका पीसफुल प्रोटेस्ट। एक
एक हाथ में टूट, एक हाथ में पत्थर। यह है दिल्ली जामिया मिलिया कॉलेज, देख लो शिक्षकों द्वारा कश्मीर जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। मारने के बाद कैंपस में छुपक जाते हैं ये लोग, मारने के बाद कैंपस में भागते हुए की पत्थर मारते हुए वीडियो। कैंपस में नथरण दे रखी है, लड़की तक को नहीं छोड़ा गया। एक जो लेडी जो रिपोर्टर थी वो वहां रिपोर्टर जो पे रिपोर्ट करने गई थी, न्यूज कवर करने गई थी, उस तक को भी हरास किया गया वहां पे। आप अपना ध्यान रखिए, ये आपका प्रदर्शन है, ये आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ये आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। बताइए मुझे, बोलिए यहाँ पर, बोलिए बोलिए, ये तरीका है लड़की को घेरेंगे आप लोग। और इसके ऊपर किसी का बयान नहीं आएगा, क्योंकि उनको सिर्फ वो स्टूडेंट दिख रहे हैं जो बहुत लिबरल, बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि जो पढ़े लिखे युवा अगर रोड पे आ जाएं तो उसके ऊपर कोई ना कोई चीज तो रीजन तो रहा ही होगा। चलो ठीक है भाई, हर किसी को अधिकार होता है प्रोटेस्ट करने का। आपको अगर किसी एक्ट का विरोध करना है, किसी पॉलिसी का विरोध करना है, तो जाहिर सी बात है आप करोगे। आपका डेमोक्रेसी यही चीज है कि आपको वो स्वतंत्रता मिलती है कि आप विरोध करें। लेकिन विरोध क्या आगजनी करके, बसेस तोड़ के, बच्चों की जो स्कूल वैन है उसको नुकसान पहुंचा के, इस चीज ऐसे मिलता है, ये प्रोटेस्ट होता है, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है। अब लोग ये बोलते हैं कि भाई बच्चों ने जहां से बोला कि ये हम नहीं थे, ये बाहर से अराजक तत्व है, इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो बाहर से थे। बोल रहे हैं कि पुलिस जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई, उन्होंने जो आया उनको दिख गया। अब जो पथराव करके, पुलिस के ऊपर पथराव करके जो सीधे वो यूनिवर्सिटी में चले गए, अब पुलिस कैसे पहचानेगी? कुछ सींग लगे थे क्या उनके जो उनको पहचान लेगी, हाँ ये वाला बंदा पथराव करके गया था। अब भाई वो तो अपनी कार्रवाई करेगी, जाहिर सी बात है अगर जो प्रोटेस्ट है वो वॉयलेंट होगा तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, वो चुप नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है। इसके ऊपर कौन सा हंगामा हो रहा है? अगर इतने सारे यूट्यूबर्स अगर ऐसा ना करते तो शायद ये जो सिलमपुर में हुआ, दिल्ली ईस्ट दिल्ली के अंदर हुआ, तो ये शायद नहीं होता। पुलिस वाले को मार रहे हैं, देख बदतमीजी। इतनी सारी चीजें होने के बाद देखो ना, तो मैं कोई ये हिंदू मुस्लिम में करना ही नहीं चाहता था। जितने भी इस देश में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक हैं, मैं उन्हें भारतीय मानता था। ये हिंदू मुस्लिम की शुरुआत ये ध्रुव राठी की एक वीडियो से देख के मुझे इतनी, उसमें इतना गुस्सा आया जो इसने नाव का उदाहरण दिया था कि एक नाव है एक इंसान के पास, आप सोचो किसको बचाओगे, एक हिंदू और मुस्लिम। अरे भाई कौन सी तुम मनगढ़ंत कहानी बता रहे हो लोगों को। अब लोग इसकी अब चीजें बता रहे हैं कि भाई तुमने म्यांमार देश को शामिल क्यों नहीं किया इस कैब के अंदर, इस श्रीलंका को, भूटान को, इनको क्यों नहीं शामिल किया। जाहिर सी बात है अगर आप इस चीज का तर्क देने लग जाते हो कि कोई काम कर रहे हो, अगर इसका विरोध करना, तो जाहिर सी बात है भाई तू ये काम क्यों कर रहा है, तू वो काम क्यों नहीं कर रहा। अगर विरोध करना है तो बिना वजह का भी विरोध किया जा सकता है, उस चीज का तर्क हो, लॉजिक हो, उस चीज के पीछे लेके आओ ना यार। अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो उसको वो काम ना करने देने की बजाय दूसरे काम करने की उसका विरोध करने लग जाएंगे ऐसे लोग। तो अब बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्टर हैं जिनको तो यही नहीं पता होता कि वो प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं। जाहिर सच्ची बात है उनको नहीं पता कि कैब क्या है, एनआरसी क्या है, वो बस वो पहुंच गए हैं क्योंकि उनको इस उनके दिमाग में ये डाल दिया गया कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ हो रहा है तो तुम्हें मुसलमान के लिए खड़ा होना होगा, तुम चलो वहां पे। तो यार मैं एक बात उनसे कहना चाहूंगा, अपने विवेक का खुद इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का खुद इस्तेमाल करो, सोचो कि वो चीज क्या है, क्या वो आपके इंटरेस्ट में है या नहीं है, तब उस चीज के लिए स्टैंड करो ना यार। बिना वजह किसी चीज के पीछे अंधभक्त होके मत चलो। ये चीज अब कोई बोल रहा है कि भाई तुम तो ये बीजेपी की साइड ले रहे हो, या फिर देखो यार मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मुझे मेरा देश प्यारा है, प्रॉपर्टी लोगों की, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, देश में
जो ये हड़कंप मची हुई है, बहुत सारे यूट्यूबर जो बिना वजह की मनगढ़ंत कहानी लोगों को बता रहे हैं, बस मुझे उस चीज से तकलीफ हो रही है। क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो, क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हो तुम? हकीकत है वो बताओ ना। अब ध्रुव रेड्डी जैसे लोग तो भैया अपना प्रोपोगेंडा सही से चला रहे हैं, आज तक तो कभी मैंने क्रॉस चेक करके देखा नहीं कि हाँ जो वो बोल रहा है वो सही है। आगे से लगता है कि हर वीडियो को क्रॉस चेक किया जाना चाहिए, हर किसी की, चाहे वो आपके फेवर में बोल रहा हो या आपके अगेंस्ट बोल रहा हो, हर चीज की वीडियो आप क्रॉस चेक करो। अब करेगा कौन यार? मैं पूरी कल से लगा हुआ हूं इन वीडियो को इकट्ठा करने में, जितनी भी वीडियो आप लोगों को दिखाई, आज जाके मेरे पास एक दिन लग गया मुझे इकट्ठा करने में इनके ऊपर बोलने के लिए, कैसे बोलूं ताकि लोगों को ये अच्छे से इंपैक्ट पड़े इस चीज का। अब हिंदू मुस्लिम की बात, जितने भी भारतीय मुसलमान हैं वो इस देश के नागरिक ही रहेंगे, कोई उनसे नागरिकता नहीं छीनने वाला, और हम सबको मिलकर ही रहना है इस देश को आगे, हम सबको ही लेके जाना है। कोई हिंदू मुस्लिम ऐसे करके ये लोग जो भड़का रहे हैं, जो ये हिंदुओं के खिलाफ बिना वजह का बयान दे रहे हैं, आपको उनसे दूर रहना होगा। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो सच्चे मुसलमान होते हैं, उनका ही नाम बदनाम कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को या तो आप जानते हैं तो उनको रोको या किसी के उनको पुलिस के हवाले करो। ये जिम्मेवारी बनती है हर किसी की, चाहे वो कोई भी हो, एक जिम्मेदार नागरिक यही करेगा। अपने देश की शांति हमारे ही हाथ में, केवल गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, हम भी उसमें भागीदारी करेंगे कि हाँ कि हम अब लोगों से अपील करें कि ऐसा कुछ मत सुनो, किसी की बातों में मत आओ, लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तुम्हें बता रहे हैं तो उसकी पहले जांच करो कि वो कितना सही है कितना गलत है। तो यही निवेदन होगा कि शांतिपूर्वक अगर आपको विरोध करना है किसी एक्ट का तो शांतिपूर्वक करो। अगर लोग ऐसे बीच में आ रहे हैं तो क्या ये स्टूडेंट की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उसे पकड़कर खुद पुलिस के हवाले कर दें? तो ये उन्हीं की ही जिम्मेवारी बनती है। फिर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस को कोई ब्लेम नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाई पुलिस नहीं जानती कि भी किसने पथराव किया था। पथराव होते हैं। अब ये सीलमपुर में बच्चों की जो बसेज है उनको तक नहीं छोड़ा गया भाई, पुलिस को पकड़ पकड़ के मारा गया वहां पे, तो इसके ऊपर कौन बोलने वाला आएगा? अब तो ये पता नहीं। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।